कोरोना काल में भारत तेज रफ्तार से बाहर निकल रहा है, और सिर्फ कोरोना संक्रमण की बात नहीं है बल्कि इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, जिसमें कोरोना से जूझ रहे और देशों के मुकाबले चमत्कारिक तेजी देखने को मिल रही है, और इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कर रहे हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से उभरने और भारत सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की। आइए आपको अपने इस खास वीडियो के जरिए विश्व बैंक की वो भविष्यवाणी बताते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए की गई। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। विश्व बैंक ने दिल खोल कर की भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ। दरअसल पिछले एक साल से जिस तरह से हालात पूरी दुनिया में बने हुए हैं, उसने कई देशों की अर्थव्यवस्था को रसातल में लाकर खड़ा कर दिया। कोरोना काल की वजह से जहां करोड़ों लोगों की सांसें थम गई, तो वहीं कई देशों की अर्थव्यवस्था का चक्का भी थम गया। लेकिन एक लंबा लॉकडाउन और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का एक साल के भीतर ही उभरना एक नई मिसाल बना रहा है, और इस बात की पुष्टि विश्व बैंक ने भी कर दी है। दरअसल विश्व बैंक के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले एक साल में कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला। विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भविष्यवाणी की कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.5 से 12.5% तक रह सकती है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक स्प्रिंग बैठक से पहले जारी अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना महामारी आने से पहले ही अर्थव्यवस्था धीमी थी। इसमें कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2017 में 8.3% पहुंचने के बाद वित्त वर्ष 2020 में विकास दर घटकर 4% पर पहुंच गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की चाल देख अर्थशास्त्री भी हो गए हैरान। दरअसल कोरोना की वजह से जो हालात दुनिया भर में पैदा हुए थे, उसके बाद लगातार इस समस्या से उभरने के लिए अर्थशास्त्रियों ने दशकों तक की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से उभर रही है, उसे देखकर अर्थशास्त्री भी हैरान रह गए हैं। दरअसल दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हंस टिमर ने बताया कि आश्चर्यजनक है कि भारत एक साल पहले की तुलना में कितना आगे आ चुका है। यदि आप एक साल पहले की सोचते हैं तो अभूतपूर्व गिरावट थी। वैक्सीन को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी, बीमारी के बारे में बड़ी अनिश्चितता थी, और अब अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था में दोबारा उछाल देखने को मिल रहा है। टीकाकरण शुरू कर दिया गया, वैक्सीन के प्रोडक्शन में अग्रणी है। अधिकारी ने बताया कि हालांकि स्थिति अभी भी अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है, भारत में हर किसी को टीका लगाने की एक बड़ी चुनौती है। ज्यादातर लोगों ने चुनौती को कम करके आंका। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर फिच ने भी कर दी भविष्यवाणी। इन दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। न सिर्फ विश्व बैंक बल्कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में नया अनुमान लगाया। फिच के मुताबिक 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 12% से भी ज्यादा तेज गति से बढ़ेगी। फिच ने भारत की आर्थिक विकास दर के पुराने अनुमान को अपडेट कर नई रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास की दर 12.8% रह सकती है। दरअसल फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी पुरानी रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। आपको बता दें कि फिच ने पहले 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 11% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक फिच ने अपनी रिपोर्ट में सुधार किया है और पहले के मुकाबले करीब 1.8% की दर से बढ़ोतरी का नया अनुमान लगाया। फिच से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और मूडीज ने भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 11.5% और 12% रहने का अनुमान लगाया। हालांकि फिच की जो नई रिपोर्ट सामने आई, उसमें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 12.8% की दर का अनुमान लगाया गया। भारत के साथ ही फिच ने 2021-22 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान जताया। एजेंसी ने इससे पहले अमेरिका का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 4.5% रहने का अनुमान जताया था। चीन का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8.4% रहने का अनुमान लगाया, जो कि पहले 8% रहने का अनुमान था। यूरोपीय यूनियन के इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान में फिच ने कोई बदलाव नहीं किया, ये पहले की तरह ही 4.7% रखा गया है।